मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। सुना दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कहा कि जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका में करीब करीब 29 स्टेट में दौरा कर चुका था। और मोदी जी ने कई बार खुद रोते हुए अपनी गरीबी के किस्से कहानियां सुना चुके हैं कि वो एक चाय वाले थे, 35 साल भीख मांगी साहब जी ने, और उनकी माता जी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी। अब अंधभक्तों से पूछना यह था कि क्या किसी गरीब माँ का भिखारी बेटा बिना किसी पद पे ऐसे विदेश में घूम सकता है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इससे तो यही पता चलता है कि या तो साहब जी पहले झूठ बोल रहे थे या तो अब बोल रहे हैं। वैसे खैर, यह सब तो साहब जी ही जाने, हम लोग तो बस सुनने के लिए हैं। अब तो बहुत से लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि लगता है साहब जी 29 बार अमेरिका में भीख मांगने गए होंगे। और आदत है कि जाती नहीं, चमड़ों की जुबान है कि मुँह से निकल ही जाता है बिना सिर पैर की बात। वैसे भी भीख मांगते मांगते लाचार भूखा इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता है। और झूठ बोलना भी एक कला है, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। और ये कला जो सीख ले वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। अब तो हमें उन दिनों की याद आ रही है कि वो भी क्या दौर था जब भिखमंगे भी अमेरिका जाया करते थे, उनको वीजा भी मिल जाता था। इसी को कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मजदूर को किसान तो लड़ा दो, माँ बाप को संतान तो लड़ा दो, अफसर को जवान तो लड़ा दो, भारत को पाकिस्तान तो लड़ा दो, और कब्रिस्तान को शमशान तो लड़ा दो। ये जो दुष्प्रचार इनका चल रहा है, जो या इनका बीमारी है, यो मोदी नहीं मदारी है, अरे का झूठ बोलन की बीमारी है, इगा पक्का इलाज करना मारी लाचारी है। ये भगवान क्या जुलुम है। सुना दोस्तों, ये किसान लोग क्या बता रहे हैं कि मजदूर को किसान से लड़ा दो, अफसर को जवान से लड़ा दो, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ा दो, मोदी नहीं मदारी है, इनका पक्का इलाज करना हमारी लाचारी है। इसे कहते हैं बिना साबुन के जबरदस्त धुलाई, जो पहुँच गयी है आसमान पर महंगाई। बताओ, हमारे देश की जनता परेशान है किसान सार से, युवा रोजगार के लिए, मजदूर रोटी के लिए, और तो और सारी की सारी जनता महंगाई से परेशान है। यही है हमारे देश की सरकार जो करती रहती है सिर्फ जुमलों की बौछार। वैसे इस आदमी ने जो कहा सही ही कहा है, लेकिन अंधभक्त कहेंगे कि इसके दिमाग में गोबर भरा है।